हेलो फ्रेंड्स, आज हम D2H के एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स, जो कि D2H स्ट्रीम नाम से भी जाना जाता है, इस सेट टॉप बॉक्स के सॉफ्टवेयर वर्जन को कैसे अपडेट करना है, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैंने D2H स्ट्रीम बॉक्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो रिमोट से मैं होम बटन प्रेस करता हूँ, सेटिंग के ऑप्शन में आता हूँ। यहाँ पर मैं STB इन्फो शीट के ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ पर मैं देखूंगा जो सॉफ्टवेयर वर्जन अभी दिखा रहा है वो है V9.4.4034। तो आइए इसको अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे आना है लास्ट ऑप्शन में, जो कि एंड्रॉइड सेटिंग है। ओके बटन प्रेस करूंगा, सेटिंग का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे मैं डिवाइस प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में आऊंगा, ओके बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है डिवाइस प्रेफरेंसेस में, अबाउट। मैं अबाउट पे आके ओके बटन प्रेस करूंगा और पहला ऑप्शन जो है सिस्टम अपडेट, मैं आता हूँ इस पे और ओके बटन प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे अपडेट के लिए चेक कर रहा है। तो यहाँ पे न्यू वर्जन अपडेट है और ऑलरेडी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने इस सेट टॉप बॉक्स को वाईफाई से कनेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि डाउनलोड करने के लिए मुझे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे 714 MB का सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड हो रहा है। वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। अब सॉफ्टवेयर वर्जन आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा ये कितना तेज या कितना स्लो होगा। अगर डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी है तो सॉफ्टवेयर अपडेट तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, अब ये वेरीफाई कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर स्टार्ट डाउनलोड हो चुका है। अब इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाके मुझे स्टार्ट नाउ पे ओके बटन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे सारे सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुए हैं वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएं। अपडेटिंग डू नॉट पावर ऑफ, सेटअप बॉक्स को पावर ऑफ नहीं करना है। तो अभी लोडिंग प्लीज वेट का पेज आया है। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसको देखने के लिए मैं सेटिंग में जाता हूँ, ओके बटन प्रेस करूँगा और STB इन्फो में जाके अब मैं देखूँगा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अपडेट हो चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रोसेस D2H स्टीम बॉक्स में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का। थैंक यू सो मच।